ब्रेक के बाद वापस आप पहुंचे हैं रैली क्रॉस जयपुर 2015 में, तो लेते हैं आगे का मजाक, आखिर रैली क्रॉस 2015 में बाकी के रेसर्स की अब बारी आने वाली है, क्या करेंगे बाकी के रेसर्स, कैसा होगा पूरा का पूरा ये इंतजाम, आइए चलते हैं रेसिंग पर। लास्ट ईयर यूएसए गया था और वहाँ पर भी पोलारिस का ट्रैक देखा, यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि किसी माने में भी जो सेटिंग है पूरे ट्रैक की, वो जो पोलारिस हेडक्वार्टर्स में यूएसए में थी, उससे मैं कुछ मानों में तो इसको बोलूँगा कि बिकॉज ये नेचुरल टेरेन है तो बहुत ही अच्छी सेटिंग है। पोलारिस ऑफ रोड व्हीकल्स में वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, मैं दूसरे व्हीकल्स के बारे में बहुत कॉमेंट नहीं करूंगा, अब तो जब रिजल्ट आएगा तो उससे ही क्लियर होगा, बट जिप्सीज देखी हैं, कुछ और मॉडिफाइड व्हीकल्स देखी, बट आई थिंक पोलारिस ऑफ रोड में बाकी सब व्हीकल से बहुत सुपीरियर। सर ये बहुत अच्छी पहल है फर्स्ट इंडिया की और मीडिया को ऐसे इवेंट्स कवर करने चाहिए बिकॉज ऑफ रोडिंग बहुत पॉपुलर हो रही है, हिंदुस्तान में भी बहुत पॉपुलर हो रही है, तो मैं फर्स्ट इंडिया को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस इवेंट में पहल करी और मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले सालों में फर्स्ट इंडिया के अलावा और भी मीडिया की और भी कंपनियाँ अपने आप से इस इवेंट को कवर करने के लिए राजस्थान में वैसे देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी एटीवीज के लिए बहुत कुछ है, यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे रिवर बेड है, जैसे पूरे रिवर बेड के अंदर आप कोई और व्हीकल नहीं चला सकते, इस व्हीकल से आप पूरा का पूरा रिवर बेड कवर कर सकते हैं और आपको कोई हर्डल्स नहीं होगी कवर करने के अंदर, इवन आम आदमी भी इसको आसानी से चला सकता है। एन्जॉयमेंट तो देखो एडवेंचर, इट्स एन एडवेंचर, एडवेंचर बिना एन्जॉयमेंट के होता ही नहीं है, इसमें रिस्क भी होता है और इसमें वो होता है, देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए खड़े हैं, जो देख के भी एंजॉय कर रहे हैं और जो चलाने वाला है उसका थ्रिल तो बहुत अलग ही होता है। दो दिन से आ रही हूँ एंड रैली इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, थ्रिल, एडवेंचर एंड यहाँ पे आके लोगों का जो एक एक्साइटमेंट है लेवल देखिए वो और हमें मन इंकरेज कर रहा है एंड बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक फिलहाल सब। एक तो यह पहला ही मतलब हमारे लिए एक्सपीरियंस इस तरह का रैली देखना एंड वैसे भी यहाँ पे जो राइडर्स आ रहे हैं उनका जो पैशन है राइडिंग को लेके वो देखना और इसको फील करना एक तरह से नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए।
रैली क्रॉस 2015 जयपुर का आयोजन लगातार जारी है। इस रैली के पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो हैं वो हमारे साथ हैं इस वक्त, वो शख्सियत हमारे साथ हैं, पंकज दुबे साहब हमारे साथ में हैं जो कि पोलारिस के MD हैं। दुबे साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में, और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह का इवेंट आपने राजस्थान में आयोजित किया, क्या कुछ सोच करके राजस्थान को चुना? देखिए, राजस्थान एक बहुत ही नॉर्मल चॉइस है किसी भी एडवेंचर एक्टिविटी के लिए, स्पेशली अगर वो ऑफ रोड हो, और क्योंकि यहाँ पे इतने सैंड ड्यून्स हैं, इतनी ऑफ रोड लोकेशंस हैं कि अगर इंडिया में कहीं पे अगर नंबर वन अगर अपॉर्चुनिटी देखी जाए तो वो यहाँ पे है। अगर आप देखें ऑफ रोड ATVs की जो सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं वो इस पूरे एशिया के अंदर में, तो वो दुबई में है। तो देयरफॉर अगर दुबई की तरह से अगर हम चाहें तो राजस्थान को भी डेवलप कर सकते हैं, इसलिए राजस्थान इज़ द नंबर वन चॉइस। तो ये इवेंट जो है यहाँ पे, ये सारी गाड़ियों की हमने एक्सपीरियंस दिया लोगों को, और लोगों को काफ़ी पसंद आया है, और अच्छी स्पीड उन्होंने रेस देखी है हमारी गाड़ियों से। तो आने वाले समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉडर्न इंटरनेशनल गाड़ियाँ हैं उसमें देखेंगे रेस होती। आप लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडिया जैसा चैनल अगर जो है भारतवर्ष में सब जगह पर हो तो ये जो मोटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, लोग बाहर जाएंगे, एडवेंचर होगा, थोड़ा सा मतलब लाइफ के अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट होना चाहिए। अगर वही सेम वही TV प्रोग्राम देख रहे हैं और सेम सिनेमा हॉल में पिक्चर देख के वापस आए, उसके अलावा अगर कुछ नहीं हुआ तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नई नई चीज़ों में करना चाहिए, और जो कि लोगों को पता है वर्ल्ड में बहुत फेमस है वो चीज़ें भी इंडिया में आनी चाहिए, जिससे और आपके जैसे चैनल का इसमें बहुत बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आप लोगों तक पहुँचाते हैं कि ऐसा हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पर आकर के ये एक्टिविटी कराई पोलारिस ने और थार मोटर स्पोर्ट्स ने, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को एक्सपीरियंस हो, और ये एक्सपीरियंस ज़्यादा लोगों को पता चलेगा तो हम ज़्यादा इंकरेज होंगे कि इस तरह के और ज़्यादा इवेंट हम यहाँ पे करें। तो उसमें आप लोगों की बहुत भूमिका, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इसके लिए। थैंक यू। तो ये थे पंकज दुबे साहब, सफर लगातार जारी है, अब तैयारी हो चुकी है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की। अचरोल निवास के अंदर ये सेकंड इवेंट हुआ है, अचरोल निवास रिजॉर्ट जो अपना अचरोल के अंदर है, इसमें ये सेकंड इवेंट हुआ है। और राज राठौड़ ने लास्ट ईयर भी कराया था, इस साल भी इन्होंने इवेंट कराया है, और दिस इज़ टोटली डिफरेंट बिकॉज जो आसपास की जो टेरिन है वो मेरे ख्याल से जयपुर में कुछ स्पॉट्स पर ऐसी टेरिन मिलेगी आपको, जहाँ पर आपको मर्ड्स भी हैं, ग्रेवल रोड्स भी हैं, काफ़ी टफ ट्रैक्स भी हैं। लास्ट ईयर हमारे पास में ऑलमोस्ट 70-100 पार्टिसिपेंट्स आए थे, इस बार लगता है मुझे शायद 200 क्रॉस कर गए, काफ़ी इंटरेस्टिंग था इस बार। और सबसे अच्छी बात है इस बार पोलारिस ने ये पूरा इवेंट में सहयोग दिया, दे हैव कैप्ट, उन्होंने अपनी पोलारिस बाइक, अपनी जो उनकी गाड़ियाँ थी वो भी आई थी, और इवन मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी अच्छा था, और बहुत ही अच्छा इन्होंने प्राइस गिविंग किया है, इवनिंग वॉज प्लेजेंट, परफेक्ट दे हैव डन इट। दिस इज द टीम ट्रॉफी and it has been won by team TA performance. If you guys could come on stage please, the team trophy, a big round of applause guys. तो
ये थी जयपुर के अचरोल में आयोजित क्रॉस जयपुर रैली 2015। तो देखा आपने किस तरह से एंजॉयमेंट किया गया और बड़े बड़े जो कार रेसर्स हैं उन्होंने किस तरह से भाग लिया और जो विनर्स रहे उन्हें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए उनके प्राइज। तो इंतजार रहेगा आने वाली रैली का, लेकिन इस पूरी रैली का सहभागी बने मेरे सहयोगी जसराज बुरंडा और मैं लवली बधवा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। Oh.